दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के लिए सोमवार को एक कमेटी गठित कर दी है। इससे पहले पुलिस ने सोमवार को बिल्डिंग के चारों मालिक समेत उस SUV के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से मुख्य सड़क पर जमा पानी प्रेशर से आगे बढ़ा और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुस गया था। जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव IAS स्टडी सर्कल में बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 2 लड़कियां शामिल हैं। घटना शनिवार की है और शासन से लेकर 3 दिन बाद यानी सोमवार को नींद से जागा। केंद्र सरकार ने जांच के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी हादसे की जांच करेगी और जवाबदेही तय करेगी, नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी और सरकार को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसमें ये बताएगी कि ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या उपाय लागू करने चाहिए। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना भी सोमवार को मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्टूडेंट से बात की। LG ने आश्वासन दिया कि जिम्मेदारी तय की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने हादसे में मारे गए 3 स्टूडेंट्स के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। घटना के लिए दोषी पाए जाने वाले दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उनका कहना है कि हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। सोमवार को इस हादसे पर राजनीति भी खूब देखने को मिली। MCD सदन में भी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आम चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी मैदान में आई और धरना दिया। MCD बैठक स्थगित होते ही BJP कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए। BJP ने भी केजरीवाल सरकार को घेरा। BJP ने जल बोर्ड, फायर सर्विस और MCD के विरोध में आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। BJP ने CM केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी नालों से गाद निकालने के निर्देश जारी किए, कथित तौर पर विफल रहने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की और LG सचिवालय के पास विरोध के प्रदर्शन किया। ये मामला संसद में भी गूंजा और लोकसभा में BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूछा, UP सरकार अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाती है, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलाया जाएगा? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, सेफ्टी मानकों का उल्लंघन हुआ है, नालों की सफाई की जानी चाहिए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस ने MCD को भी नोटिस दिया और जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने पूछा, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किस अफसर की है? इलाके में साफ सफाई का काम कौन देखता है? क्या क्षेत्र में ठेके पर भी किसी को काम दिया जाता है? इस मामले के बाद दिल्ली नगर निगम की टीमें भी सोमवार को एक्शन में दिखी। टीमें बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और कोचिंग सेंटर वाले इलाकों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। ओल्ड राजेंद्र नगर में बरसाती पानी की नालियों को कवर करने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। यह अभियान अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इससे पहले MCD की टीमों ने ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में ऐसे करीब 20 कोचिंग सेंटर सील किए, जहां बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लासेस संचालित की जा रही थी। MCD का कहना था कि अतिक्रमण के कारण ड्रेनेज चोक हुए। कई कोचिंग सेंटर्स ने बिल्डिंग का निर्माण किया और ड्रेनेज सिस्टम बंद कर दिया। लापरवाही पाए जाने पर एक जॉइन को नौकरी से निकाल दिया, एक आइन को सस्पेंड कर दिया है, क्षेत्रीय XIN को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि बारिश होने से अतिरिक्त पानी सड़क पर जमा हो गया था। सड़क किनारे जो नालियां हैं उन्हें अतिक्रमणकारियों ने ढक दिया, जिससे साफ सफाई भी नहीं हो पाती थी और जब बाढ़ आई तो सैलाब सड़कों पर आ गया। अब जांच कमेटी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर इस मामले का कौन जिम्मेदार है उसे सामने लाना पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली 24 के साथ।